हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं हूं आपकी लीज़ा, और मैं आ गई हूं लेके कि आपकी जुलाई का ये जो महीना है वो कैसा जाएगा, क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या गाइडेंस या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि एरीज के लिए क्या मैसेज है। So we have spiritual teacher, healer of abundance, healer of thought, ace of emotion, six of abundance and manifest your dreams. तो जो मुझे यहाँ पे कुछ थीम्स लग रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हो। ओके, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं या अगर आप कोई हीलर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका काम काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोग आपके काम को काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, आपका विजडम बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। ओके, उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड आपका ये जो महीना है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। जुलाई का जो महीना होगा फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा आपका अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ना काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। कुछ लोग, कोई नया रिश्ता आ सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी गिविंग करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है आपको, और शायद से आपने भी इस टाइप के पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है ये सच होती हुई दिख रही है। ओके, मुझे यहाँ पे पास्ट की इतनी एनर्जी चीज़ नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ हो भी तो आपका जो फोकस होगा वो अपने ऊपर होगा, अपने काम के ऊपर होगा, रिलेशनशिप पे तो नहीं रहने वाला। और जो लोग सिंगल भी हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पास ये एक एक्साइटमेंट वाली आपके लिए हो सकती है कि हाँ ठीक है, कोई नया पर्सन मेरी लाइफ में आ रहा है, ये पर्सन काफ़ी गिविंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप बहुत सीरियस होने वाले हो इस पर्सन को लेके, बिकॉज आपको ऐसा फील हो सकता है कि शायद से ये एक बस एक कनेक्शन है यहाँ पे, आप पे सिर्फ एक अट्रैक्शन है या कुछ कुछ सीरियस नहीं है। तो उस चीज़ को लेके आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आपकी जो लव लाइफ है ना वो एकदम बैकग्राउंड में होने वाली है। ओके, आपका जो पूरा फोकस होने वाला है, जो हाईलाइट होने वाला है जुलाई का, वो आपका होने वाला है आपका करियर एंड आपकी अबंडेंस। सो लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर एरीज। नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, द स्टार, वही चीज़ है, लाइक आई सेड दैट यू नो फाइनली जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अब वो आपकी लाइफ में आ गए हैं। अब जो कि वो आपकी लाइफ में आ गए हैं तो आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो कहीं और जा रहा है। और वो कहीं और क्या है, वो है आपका करियर, वो है अपनी विशेज़ पूरी करना, अपनी खुद की लाइफ डेकोरेट करना, आपकी अपनी खुद की लाइफ को जीना। बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये एक डिवाइन टाइमिंग पे आ रहे हैं। ओके, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पे सिर्फ एक अट्रैक्शन है या कुछ भी ऐसा। मुझे एक सोलमेट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे इक्वल गिविंग टेक हो सकता है। जो पर्सन आपकी विश कम ट्रू होने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पास्ट हर्ट का जो डर है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आ सकता है। वॉट इफ़ इस पर्सन ने ऐसा किया, वॉट इफ़ ये पर्सन मुझे कमिटमेंट ना दे, वॉट इफ़ ये पर्सन मुझे छोड़ के चले जाए। तो आपकी सर्टेनिटी, आपकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं एक आपको वहाँ पे थोड़ा सा थ्रेट फील हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो मुझे बहुत प्योर एनर्जीज लग रही हैं। ओके, काफ़ी ऐसी एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन सच में आपको कुछ सीरियस कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ आके लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। और आप देखोगे कि ये जो पर्सन है ना, और ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आ रहे हैं, ठीक है, एक ब्लेसिंग के जैसे आ रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। और आप देखोगे कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी गिविंग करने वाले हैं। हो सकता है अभी तक आप ऐसे रहे हो जहाँ पे आप रिलेशनशिप्स में गिविंग करते हो, बट इधर आप देखोगे कि ये पर्सन आपको काफ़ी गिविंग करेंगे। सो यू विल बी द रिसीवर हियर एरीज। ओके,
सो वी हैव आस्क फॉर हेल्प, कम्युनिकेट क्लियरली एंड नॉट द राइट टाइम. तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके फील हो कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है रिलेशनशिप में जाने का, राइट टाइम नहीं है इस पर्सन पे भरोसा करने का या इस एस्पेक्ट को टाइम देने का. बट हियर यू रियली नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली इस पर्सन के साथ. इन जनरल ऑल्सो अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है, ऑनेस्ट रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है एंड डेफिनेटली किसी से गाइडेंस लेनी है. ओके, अगर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हो तो बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी समझदार इंसान से, किसी वाइज इंसान से आपको डेफिनेटली गाइडेंस लेनी चाहिए. बिकॉज जो अच्छे मौके होते हैं वो बार बार नहीं आते हैं, ये जो परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग्स होते हैं बार बार नहीं आती हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी अपनी ज़िद के चक्कर में या ओवर एक्साइटमेंट में कि हाँ मैं तो अपनी लाइफ जीऊँगी उस चक्कर में आप कुछ गलत डिसीजन ले लो. ओके, सो दैट वॉज़ योर रीडिंग. ये आपकी रीडिंग थी एरीज की एंड मैं मिलूंगी आपको फिर से. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें.